जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय पद शरण
शरण श्रेयशरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयशरूप चरण शरण चरणों
जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण। गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरु जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरु जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण शरण श्रेय स्वरूप
माता और बंधुओं, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान एक इष्ट का, एक नाम, एक इष्ट, एक शक्ल, एक मूरत। कल मैंने आपके सामने बहुत डिटेल में बताया कि ध्यान कैसे करें। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। चुनिए जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसको मानिए, उन्हीं को जानिए। उन्हीं को मानना है, उन्हीं के विषय में जानना है, उन्हीं की आराधना करनी है। बदलना नहीं है बार बार। अगर बार बार बदलेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी। और जो पूजा का असली आनंद है वो नहीं मिलेगा। असली आनंद पाना है तो एक इष्ट की आराधना करें, मन अपने अपने एक इष्ट में लगाए। बहुत जरूरी है। तो अभी एक भजन होगा, अपने इष्ट की मूरत अपने सामने बनाए, वो भी ख्याल से। पूजा तीन प्रकार से की जाती है। पहले शारीरिक पूजा,
दूसरा है मानसिक और तीसरा है आत्मिक। ध्यान की जो अवस्था है, आनंद योग, ध्यान योग, सहज योग, ये आत्मिक पूजा, जैसे जैसे शारीरिक पूजा आत्मिक पूजा में बदल जाएगी, वैसे वैसे आप आनंदित होंगे, आनंद रहेगा, चिंताएं समाप्त होंगी, बड़ी अच्छी स्थिति आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा, अब भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री राजेंद्र जी जो हिमाचल से आए हैं भजन कहेंगे। मंत्रोलम गुरुर वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, तू बता मुझे ऐसा कि वो शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, तू बता मुझे ऐसा कि वो शराब कौन सी है। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू हबीबे ज़िंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू हबीबे ज़िंदगी है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, तू बता मुझे ऐसा कि वो शराब कौन सी है। मेरी बेखुदी सलामत, ये जुनून भी वादत, तेरे दर से सर ना उठे, तू नमाज़े आशिकी है, तेरे दर से सर ना उठे, तू नमाज़े आशिकी है, तेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना यही मेरी जिंदगी।
तुझे याद कर के रोना, यही मेरी जिंदगी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। तू बता मुझे ऐसा की वो शराब कौन सी है, तुम्हें ऐतवारे उल्फत जो न हो सका अभी तक, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। तू बता मुझे ऐसा कि वो शराब कौन सी है, गमे मुस्तकिल लता कर या नवाज़िश करम कर, जिस हाल में भी रखे तेरी बंदा परवरी है, जिस हाल में भी रखे तेरी बंदा परवरी है।
श्री ब्रजमन वचनामृत भाग दो परिच्छेद एक अनोखी बांसुरी स्थान T34 अतुल गुरु रोड नई दिल्ली सन 1948। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कहीं शिव नाय उमात। श्री परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी का पवित्र पत्र पाकर जो इस दासानुदास को हर्ष हुआ, हर शब्द प्रकाशयुक्त मालूम होता था, मानो हर शब्द से प्रकाश निकलकर इस पतित के हृदय और मस्तिष्क में समाया जाता हो और उसके साथ साथ प्रेम और आकर्षण से सारा शरीर ओतप्रोत हो गया हो। पत्र पढ़ने के बाद से ही ध्यान की अवस्था में चार चांद लग गए और आज विशेष रूप से गहरी ध्यान की डुबकियां बराबर लगती रही। रात्रि में भोजन करते समय इसकी अजीब हालत हो गई थी कि दो चार ग्रास खाने के बाद 15-15 मिनट तक होश ही नहीं रहता था और धर्म पत्नी के होश ढिलाने पर होश आता था। ऐसा ध्यान का नशा छाया हुआ था कि यह अधिक बैठ भी न सका और बहुत ही जल्दी इस नशे में सो गया। रात्रि में लगभग 12:30 बजे दास की यकायक आँख खुल गई तो बांसुर की मधुर तान इसके कानों में पड़ी। यह चौंक पड़ा। ऐसी बांसुरी की मधुर तान दास ने जीवन में कभी न सुनी थी। यह दरवाजा खोल बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा कि बांसुरी रात्रि में इस समय कौन बजा रहा है, परंतु आवाज़ किसी दिशा डायरेक्शन से आती नहीं मालूम होती थी, बल्कि सीधी आकाश से उतरती मालूम होती थी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद विचार आया, भला अतुल ग्रोव जैसी एंग्लो इंडियन बस्ती, एंग्लो इंडियन लोकेलिटी में रात्रि के इस समय इस पहर बांसुरी कौन बजाएगा, तथा बाहर दूर तक चारों तरफ घोर अंधियारा ही अंधियारा नजर आता था। दास बाहर से अंदर आया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर बैठकर बांसुरी की मधुर तान सुनता रहा। बांसुरी की तान के साथ साथ इसका हृदय लहराने लगा और आनंद का एक अनोखा समा बंध गया। इस मधुर तान में यह दास बहुत देर तक झूमता रहा। दास के आनंद का पारावार न था। इसी मधुर तान को सुनते सुनते यह पति दास लेट गया। इसका हृदय बांसुरी की तान के साथ साथ कूदने लगा। यों तो सारा शरीर व मन ही इस तान के आनंद के रस में लीन थे, परंतु ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होता था कि तान का प्रभाव हृदय पर विशेष रूप से था। हृदय साफ तान के साथ साथ उछलता मालूम होता था। इसी समय एक हल्की सी आवाज़ ने इस पतित से कहा, क्या इसे साधारण बांसुरी की तान समझता है? यह स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से बजाई हुई बांसुरी की मधुर तान है, जिसे सुनकर स्त्री पुरुष तो क्या, पशु पक्षी भी सुधबुद भूल जाते थे। यह आज भी ब्रह्मांड में वैसे ही समाई हुई है। बुद्धि माइंड के उचित रूप से सम अवस्था ट्यून होने पर आज भी वैसे ही सुनाई देती है। ऐसा कहकर यह आवाज़ फिर सुनाई नहीं दी। इसके पश्चात तो बांसुरी की तान का माधुर्य कई गुना बढ़ गया और इस दास के तान के आनंद सागर में ऐसा लीन हो गया कि इस आनंद रस में इसे कब नींद आई कुछ पता न चला। रात्रि में प्रातःकाल लगभग 4:30 बजे उठने से पूर्व निम्नलिखित स्वप्न भी देखा। स्वप्न में देखता है कि आदमी के कद से जरा बड़ा एक बहुत ही साफ शीशा मिरर सामने रखा हुआ है और यह दासानुदास उस शीशे के सामने खड़ा है।
चेहरा भरा हुआ लाल लाल, बढ़िया सूट पहने तथा टाई लगाए, बाल सुंदर रूप से कढ़े हुए हैं, बूट पॉलिश से चमकते हुए, कोट की जेब से रुमाल थोड़ा थोड़ा बाहर चमकता हुआ, वो फाउंटेन पेन लगा हुआ, ऊपर से नीचे तक टिप टॉप, इस साथ के साथ साथ शरीर व मन में राजसी अकड़। शीशे में अपनी यह शक्ल, लिबास और अकड़ देखकर इस पतित का हृदय रो उठा और यह चीख उठा, हे गुरुदेव, क्या अब भी शीशे में पतित की यह मनहूस शक्ल ही दिखाई देती है? हे सतप्रभो, अब तो इस पामर पर दया करो। हे करुणा सागर, अब तो इस अधम की इस शक्ल को हमेशा के लिए खत्म कर दो, दया करो प्रभो। और इस प्रार्थना के साथ साथ दासानुदास फूट फूट कर जमीन पर सिर रख कर रो उठा। थोड़ी ही देर में अपने इस करुण रुदन के बीच में सद्गुरुदेव जी की आवाज़ साफ सुनाई देती है, अब बेफिक्र हो जा, अरे क्यों रोता है, देख शीशे में तू नहीं, उसमें अब मैं हूँ। पति दासानुदास ने जो सिर उठाकर अब शीशे की ओर देखा तो शीशे में अब यह पतित नज़र नहीं आता था, बल्कि परम पावन परम कल्याण स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी ही विराजमान दृष्टिगोचर होते थे। श्री सद्गुरुदेव जी के शीशे में दर्शन कर पति दासानुदास को बड़ी तसल्ली व हर्ष हुआ और इसी बीच में इसकी आँख खुल गई। आँख खुलने पर ऐसा महसूस होता था कि मानो सद्गुरुदेव जी इसकी आत्मा में समा गए हैं अथवा उनकी आत्मा इसके शरीर में आ गई है। उठते ही उठते यह गा उठा, मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूट गई, या की ने लगन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखो तित ही वह दिखे, जित देखो तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाई रहियो तन मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित बन माला, कंकन कलित ललित बन माला, नुपुर धूनि चरणन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मोरे मन में, चपल नैन भ्रुकुटी बर बाकी, ठाड़ू सघन लतन में, चपल नैन भ्रुकुटी बर बाकी, ठाड़ो सघन ललत में, नारायण बिन मोल बिकी हो, नारायण बिन मोल बिकी हो, या की नैन हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। परिच्छेद दो, धर्मपत्नी चिंता में, स्थान T34 अतुल ग्रो रोड, नई दिल्ली, सन 1948। निज ब्रह्म नाहि समूह जहि अज्ञानी,
प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे उभानी कहीं ही कुबिचारी। इन दिनों इस दासानुदास की हालत कुछ ऐसे ही हो गई थी कि केवल एकांत ही प्रिय था। घर में किसी से बातचीत ही न करता, हर समय ध्यानावस्था में लीन रहता था, अक्सर आँखों से आंसू ढुलकते रहते थे। इस दास की ऐसी अवस्था लगातार देखकर धर्मपत्नी को बड़ी बेचैनी हो गई थी तथा एक दिन उसने दास से अनुरोध किया कि यह उसके साथ बुलंदशहर पूजनी चाचा जी श्री मोहनलाल जी के पास चले। दास को इसमें क्या आपत्ति थी, एक दिन की छुट्टी ले ली गई तथा बुलंदशहर जाने की तैयारी हो गई। धर्मपत्नी तथा बच्चों को श्री प्यारे लाल एंड सन्स की दुकान के समीप क्वींस वे पर खड़ा कर दास सिंधिया हाउस तांगा लेने के लिए आगा बढ़ गया। तांगा लेकर जब वापस लौट रहा था तो तांगे में बैठे बैठे ही दासानुदास के होशो हवास गुम हो गए। यहाँ तक कि जब तांगा धर्मपत्नी व बच्चों के समीप आया तो बावजूद उनके जोर जोर से आवाज़ देने के भी होश न आया और तांगा इम्पीरियल होटल की ओर आगे बढ़ चला। इम्पीरियल होटल से थोड़ी आगे निकलने पर इसको यकायक होश हुआ तो इसने तांगे वाले को रोका और कहा, बच्चे तो पीछे रह गए, वापस चलो। तांगे वाले ने तांगा घुमाते हुए कहा, आप बड़े अजीब मालूम होते हैं, जो बीवी बच्चों को भी भूल गए। प्यारे लाल एंड सन्स के पास दो लड़के और एक औरत को आवाज़ भी देते रहे और फिर भी अपने तांगा नहीं रुकवाया। दास ने कहा, हाँ वहीं खड़े थे, वहीं चलो। तांगा वापिस आया तो धर्मपत्नी ने कहा कि हम तो आपको आवाज़ भी देते रहे परंतु आपने तांगा ही नहीं रुकवाया। दास शर्मिंदा था। तांगा बुलंदशहर बस स्टैंड की ओर बढ़ चला था तथा जल्दी बस स्टैंड पर पहुंचकर बस भी फौरन ही तैयार भी मिली। हम लगभग 6:30 या 7 बजे सायंकाल तक बुलंदशहर पहुंच गए। रथ के दो पहिए। सन बुलंदशहर सन 1948। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। बुलंदशहर पहुंचकर धर्मपत्नी ने इस दासानुदास की बड़ी शिकायतें पूजने चाचा जी से की और बतलाया कि हर समय ही इनका ध्यान चलता रहता है, घंटों घंटों बैठे रहते हैं और होश आवाज कुछ नहीं रहता है। इधर इस दास ने भी पूजने चाचा जी के पूछने पर सारे अनुभव व हालात कह सुनाए, जिसे सुनकर आप बहुत खुश हुए और कहने लगे कि परमात्मा व सद्गुरुदेव की आप पर बड़ी विशेष कृपा है जो ऐसा हुआ है। हमें तो यह सब सुनकर बहुत ही खुशी हुई है, ऐसी हालतें तो सारी जिंदगी अभ्यास करने पर भी प्राप्त नहीं होती। अब ज़रूरत इस बात की है कि गुरु महाराज की आज्ञा में हरफ बर हरफ चलकर लगन के साथ इसी रास्ते में लगे रहो तथा इस विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करो। याद रखो, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना बड़ा ज़रूरी है। आध्यात्मिक तथा सांसारिक कोई भी काम बिना उनकी आज्ञा के ना करो। जितना ही जो अपने आप को अपने गुरु पर न्योछावर कर देता है उतनी तरक्की उसकी इस मार्ग में हुआ करती है। यह दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है और इससे बड़ी दौलत संसार में दूसरी नहीं है। इसी बीच में पूजनीय चाची जी भी बैठक में शिकायतों का पुलिंदा लेकर पधारी और कहने लगी, आपने अच्छी पूजा सिखवाई, यशपाल ने तो घर का सब काम ही देखना बंद कर दिया। जब देखो आँख मीच ली और घंटों घंटों पूजा में बैठे रहना, न दिन देखना न रात। अच्छी पूजा रही, बहू बिचारी बहुत रो रही है। एक दिन रात में तो बड़ी हालत खराब रही, नब्ज व दिल की धड़कने वगैरह कुछ भी नहीं मालूम होती थी, शरीर निर्जीव सा मालूम होता था। बहू बहुत घबराई हुई है, उसकी आंखें रो रो कर सूज गई हैं,
बच्चे भी खोए खोए से बड़े सुस्त हैं। इसी बीच में धर्मपत्नी भी बैठक के दुआरी वाले दरवाजे पर आकर वार्तालाप सुनने के लिए खड़ी हो गई। पूजने चाचा जी ने फरमाया, हमने सारी बातें मालूम कर ली हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, रोने की क्या बात है। राम नाम तो बड़े भाग्य से मिलता है, किसी खराब काम में तो है नहीं जो परेशानी की बात हो। सब ठीक हो जाएगा, सब गुरु महाराज देखरेख करते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। धर्मपत्नी को पूजनीय चाचा जी से ऐसी आशा नहीं थी। वह समझती थी कि चाचा जी ज़रूर बहुत नाराज होंगे, इसलिए रूंधे गले से धीरे से बोली, तो मुझे भी ऐसी पूजा सिखवा दीजिए ताकि मैं भी सब कुछ भूल जाऊं और मुझे भी केवल राम नाम के और कुछ होश न रहे। चाचा जी, हाँ हाँ, तुम भी पूजा अवश्य सीखो, यह तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल घर में दोनों को ही पूजा सीखनी चाहिए, तभी ठीक रहता है। स्त्री पुरुष रथ के दो पहिए हैं, जब दोनों पहिए ठीक होते हैं तभी रथ अच्छी तरह से चलता है। मैं तुम्हें शुरुआत करवा दूंगा, बाकी पूजा सिखाएंगे दद्दाजी महाराज ही। अब की बार जब आएंगे तो तुम्हें दीक्षा दिला देंगे। धर्मपत्नी, मुझे भी पूजा ज़रूर आरंभ करा दें और थोड़ा इन्हें भी समझा दे कि घर का तथा बच्चों का कुछ तो ख्याल रखा करें। यह तो दिन देखते हैं न रात, हर समय जब देखो ध्यान में ही डूबे रहते हैं। चाचा जी, तुम बेफिक्र रहो बेटी, मैं सब समझा दूंगा। हमारा रास्ता कोई घर बार छोड़ने का तो है नहीं जो डर की बात हो। हमारे गुरु महाराज के लड़के लड़कियाँ घर द्वार सब हैं। वह तो पूर्ण रूप से गृहस्थ थे, इसी प्रकार दद्दाजी महाराज भी पूरे गृहस्थी हैं। सरकारी नौकरी करते हैं, गृहस्थ के सारे काम देखते हैं, पर इसके बावजूद आज भी उनका अध्यात्म जगत में बड़े बड़े सन्यासी भी सानी नहीं रखते, पूर्ण हस्ती हैं। ऐसा फकीर मिलना दुर्लभ है। तुम चिंता किसी भी बात की बिल्कुल ना करो। यशपाल रात को मेरे पास सोएगा, मैं इसकी हालत को अच्छी तरह देखूंगा और दुआ करूंगा। गुरु महाराज चाहेंगे तो कल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने बड़ा अच्छा किया जो इसे अपने साथ यहाँ लेवा लाई। अब निश्चिंत होकर खाना खाओ, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगा। इसके पश्चात सबने भोजन किया और उस रात्रि के सत्संग का भी समय भी हो गया। सत्संग भाई बहन आना आरंभ हो गए। सबसे पहले बूढ़े मुनीम जी ठाकुर अमरदेव सिंह जी पधारे। पूजने चाचा जी ने दास के विषय में उनसे बातचीत की। उन्होंने भी यही कहा कि बड़ी खुशी की बात है, गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा है। और सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरा। धीरे धीरे सभी भाई पधारे। दास ने सबको ही सादर नमस्कार किया। भाइयों नमस्कार करते हुए इसे ऐसा मालूम हो रहा था कि यह दास अपने सगे संबंधियों के मध्य में है। एक अपूर्व आत्मीयता का अनुभव हो रहा था, ऐसा सत्संगियों के प्रति अपनापन अभी तक इसने कभी महसूस नहीं किया था।